Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I'm going to show you how to get this eye makeup look. So this is very perfect for bridal as well as for parties. So agar aapko dekhna hai step by step isko aap kaise achieve kar sakte ho, then please keep on watching. Product ka link as usual description box mein hoga. And also you can follow me on my social medias for more update. Let's start with today's video. Start karungi concealer se. यहाँ पे मैंने लॉरियल का इनफेलेबल कंसीलर यूज़ करी हूँ और साथ में ब्रश के लिए मैंने यूज़ किया है प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश. और सबसे पहले यहाँ पे मैं आईब्रोज़ के नीचे कंसीलर से क्लीन करूँगी एंड आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी सेम कंसीलर को एज माय आई शेडो बेस. कंसीलर को ब्लेंड करी हूँ यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से एंड सेट कर लूँगी विथ सम लूज पाउडर. दिस वन इज़ फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स जो कि मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ. सो ये मेरा ऑलवेज यही मैं बेस मेकअप फॉलो करती हूँ. सो इसके बाद मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ करी हूँ हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट. सबसे पहले जो डार्कर रेड शेड है उसको अप्लाई करी हूँ क्रीज पे एंड आउटर वी पे. सो यहाँ पे मैं पेंसिल ब्रश यूज़ की हूँ. सो थोड़ा सा प्रिसाइजली मैं यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करूँगी. ऑल्दो इसके बाद हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसको. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली अप्लाई करूँगी आई शेडो को क्रीज पे और प्रोडक्ट को मैं धीरे धीरे इंटेंसीफाई करूँगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटर वी को भी मैं ज्वाइन की हूँ सेम शेडो के साथ. इसके बाद जो हिना बोल के शेड है ब्राउन ऑरेंज अंडरटोन ब्राउन शेड उसको अप्लाई कर रही हूँ. इसके बाद ये है हम लोगों का ट्रांजिशन शेड और इसको अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. इसको प्लेस करूँगी क्रीज से ऊपर में और अच्छे से ब्लेंड करूँगी प्रीवियस शेड के साथ. नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्लैक शेडो को अप्लाई कर रही हूँ और इसको भी मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ. और इसको सबसे पहले आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं इसको क्रीज पे भी अप्लाई कर रही हूँ. सो कलर को थोड़ा कम लेके इंटेंसीफाई करें एट ए टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करें. सो ये डेप्थ प्रोवाइड करेगा आई मेकअप में और बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है यहाँ पे. हम लोगों को ब्राउन एंड जो रेड शेड अप्लाई की हूँ उसको भी विजिबल रखना है. सो थोड़ा कम प्रोडक्ट ब्लैक अप्लाई करें. आउटर वी को थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं फिर से रेड शेडो को अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक के साथ अच्छे से मिक्स करने के लिए. एंड फर्दर मैं ब्राउन शेडो को फिर से अप्लाई करूँ और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए. इसके बाद मैं क्रिएट करूँगी कट क्रीज. तो उससे पहले मैं लीड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी. सो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे माइसेलर वाटर लेके क्लीन कर रही हूँ लीड स्पेस को. सो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कंसीलर ओपेक मिलेगा. सो बहुत ज़्यादा कलर मिक्स नहीं होगा कंसीलर के साथ. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसीलर को अप्लाई करूँ क्रीज पे जहाँ तक मुझे कट करना है क्रीज को एंड उसके बाद लीड के बाद मैं कंसीलर को पूरे लीड पे भी अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक शेडो को आउटर वी पे. सो ये कंसीलर के एज को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा. नेक्स्ट इसके बाद मैं रेड शेडो को अप्लाई करूँ एंड देन ब्राउन शेडो को अप्लाई करूँगी. सो ये काइंड ऑफ ग्रेडिएशन क्रिएट करेगा फ्रॉम ब्लैक टू रेड देन ब्राउन. और फ्रंट सेक्शन पे कोई शेडो नहीं अप्लाई करना है. आप चाहो तो थोड़ा सा पाउडर से सेट कर सकते हो फ्रंट सेक्शन को और अदरवाइज आप एज इट इज रख सकते हो. इसके बाद मैं आउटर वी को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी थोड़ा वो शार्प एजेस देने के लिए. सो यहाँ पे मैं कंसीलर से क्लीन कर रही हूँ आउटर वी को.
उसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ. दिस वन इज फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. दिस इज इन द शेड 47 गोइंग बनाना. और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सेंटर लीड पे. सो स्पार्सली अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओपेक फिनिश नहीं दे रही हूँ. सॉफ्ट गोल्ड शेड का कोई भी ग्लिटर आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ. दिस वन इज़ फ्रॉम लैक्मे. सो बहुत ही बेसिक सा एक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और बहुत थिन सा ही अप्लाई करूँगी यहाँ पे लाइनर. सो पहले मैं इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ एंड देन विंग क्रिएट करूँगी. सो जस्ट थिन सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या थिक नहीं अप्लाई की हूँ. और ये आईलाइनर तो सबके पास होता है. सो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है बट ओकेश लाइनर लगता है मुझे ये. सो इसके साथ मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट की हूँ, बहुत छोटू सा. नेक्स्ट यहाँ पे मैं काजल अप्लाई करूँगी फ्रॉम दी ब्रांड के ब्यूटी. सो वाटर लाइन पे अप्लाई करी हूँ काजल को. सो बहुत अच्छा एक काजल है, बहुत जेट ब्लैक है एंड ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग. एंड पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट की हुई यहाँ पे. उसके बाद रेड शेडो को मैं अप्लाई करूंगी लैश लाइन के क्लोज क्लोज एंड ब्राउन शेडो को उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड करने के लिए. हाईलाइटर के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर टू हाईलाइट माय इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन. बहुत अच्छा हाईलाइटर है, आई लव दिस हाईलाइटर. आई एम इन द शेड 09. नेक्स्ट इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा. सो दिस मस्कारा इज़ फ्रॉम के ब्यूटी. सो अच्छा मस्कारा है, एवरीडे काइंड ऑफ मस्कारा बोल सकते हो. ये आपके लैशेस को लेंथ एंड वॉल्यूम अच्छे से प्रोवाइड करता है. सो अपर एंड लोअर लैशेस को इससे मैं कोट कर लूँगी. एंड इसके बाद मैंने फोर्स आई लैशेस भी अप्लाई किया है एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक. लेट मी नो कैसा लग रहा है आपको ये ओवरऑल आई मेकअप. और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज़ फॉर मोर अपडेट. मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.